हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल 111111 गिफ्ट ऑफ गॉड। आज की रीडिंग में हम लेके आए हैं कि आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है इसका कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, सकता ना हो, सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। और ये सभी जोडियक साइन वालों के लिए है, कोई पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है, ठीक है? सो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड। हमारा फर्स्ट कार्ड है 9 of Cups, सेकेंड कार्ड इज 7 of Wands, थर्ड कार्ड इज 9 of Swords, फोर्थ वन इज 7 of Cups, फिफ्थ वन इज 8 of Wands, नेक्स्ट वन इज द स्टार्स, अनदर वन इज 10 of Cups, नेक्स्ट वन इज 6 of Pentacles, अनदर वन इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लास्ट वन इज द 4 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक है गाइस पेज ऑफ कप्स। जैसा कि इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर जो है यहाँ पे काफ़ी मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बारे में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे स्पाय कर रहे हों, आपके वीडियोस या फिर सोशल मीडिया में किसी तरह से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है इतने ज़्यादा डीप थिंकिंग में है इस वक्त कि उनको शायद रात में नींद भी नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनकी लाइफ में हैं, बट वो इस वक्त आपको बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही उस चीज़ को सॉल्व करें और जितनी जल्दी हो सके आपका और उनका कम्युनिकेशन हो और आपको वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस बारे में बताएं। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए कंप्लीशन 10 of Cups की एनर्जी भी दिखी है। 9 of Cups मीन्स आपके साथ वो अपना जो फ्यूचर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज प्लानिंग जो है वो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपका डिवाइन भी अपना रोल प्ले कर रहा है आपके और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको दूर करने के लिए। वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो भी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो किसी पर्सन के थ्रू, मतलब किसी का इंटरफेरेंस शायद वो सोच रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर आप किसी भी तरह उन तक कोई मैसेज पहुंचाए जिसको लेके वो कंक्लूड कर सके और फिर वो आपको पॉजिटिव कुछ न्यूज़ दे सके या फिर जो भी बातें अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं करी थी बहुत जल्द आपसे शेयर कर सकें। बहुत ज़्यादा मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही उसमें दिख रहे हैं कि कहीं बाहर जाने की आउटिंग की एनर्जीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं बाहर या फिर सिटी में ही आप लोगों का कहीं हो सकता है घूमने का प्लान बने। मैनिफेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो वाइब से मुझे दिख रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मैसेजिंग की एनर्जीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और बहुत जल्द आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, फॉर्च्यून भी आप लोगों के साथ है, लक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट थोड़ा पेशेंसली अगर काम लेंगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मुझे 9 नज़र आ रही है, 7 है, 8 है और यहाँ पर मुझे 15 भी दिख रही है, 10 दिख रहा है, 6 नज़र आ रही है, 10 है और 4 हो सकती है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है गाइस।
सो प्लीज़ भी ओपन माइंडेड, अगर आपसे ये डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक पर्सन जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही हो सकती तो उनसे हो सकता है कुछ ज़्यादा पार्ट इस रीडिंग का रेजोनेट हो। सो प्लीज़ भी पॉजिटिव, और देखते हैं कि आपके लिए कलेक्टिव मैसेजेस क्या आते हैं आज निकल कर। देखिए कुछ कलेक्टिव मैसेजेस आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड, यू विल बी फॉर एवर बी माय एंड ऑलवेज। सेकंड इज आई विल कम बैक सून। कुछ लोग के पार्टनर बोल रहे हैं आप वेट करिए, वो बहुत जल्द वापस आएंगे। कुछ बोल रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते इस वक्त। और कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, यू आर माई सोलमेट। अगर ये रीडिंग आपको गाइस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी पार्ट आपसे इसका मैच कर रहा है, क्योंकि आपकी ये जो कमेंट रहेंगे बहुत प्रीशियस रहेंगे मेरे लिए। और इसी तरह आते रहिए और पूरा वीडियोज़ देखिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।